नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग ने नशे के खिलाफ प्रदेश व्यापी जागरूकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। इसी के चलते ग्वालियर नगर निगम के बाल भवन में आयोजित इस प्रदेश व्यापी अभियान के उद्घाटन अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डंडोतिया जी, सामाजिक न्याय विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर उषा शर्मा, जगतगुरु आनंदेश्वर महाराज, वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी डॉक्टर केशव पांडे, ब्रह्म कुमारी संस्था की ओर से राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद समेत कई महत्वपूर्ण लोग उपस्थित रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश डंडोतिया ने कार्यक्रम का आगाज करते हुए सभा में उपस्थित सभी लोगों से नशे के पदार्थों को कभी भी हाथ न लगाने का संकल्प कराया। तो वहीं बीके प्रहलाद ने कहा कि भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए सबसे पहले व्यसन मुक्त बनाने की जरूरत है और उसकी जिम्मेवारी हर एक भारतवासी की है। जानकारी के लिए आपको बता दें, इस कार्यक्रम में लाइव प्रसारण के माध्यम से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और योग गुरु बाबा रामदेव जी ने भी व्यसन मुक्ति के लिए अपना संदेश दिया। इसी क्रम में देखिए मध्य प्रदेश की एक और खबर, जहां आजादी के अमृत महोत्सव के तहत जावरा में सड़क दुर्घटना के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए ब्रह्मा कुमारी द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के तौर पर संस्था के यातायात प्रभाग की जोनल कोऑर्डिनेटर बीके अनीता दीदी और मुख्य अतिथि के तौर पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनंद, अनुविभागीय राजस्व अधिकारी हिमांशु प्रजापति, वरिष्ठ अभिभाषक एवं बैंक सलाहकार स्नेह मेहरा समेत कई बीके बहने उपस्थित रही। कार्यक्रम में उद्घाटन के पश्चात बीके अनीता दीदी ने कहा कि सड़क दुर्घटना के शिकार सबसे ज्यादा युवा होते हैं, क्योंकि वे हड़बड़ी और तेजी में वाहन चलाते हैं। इसके अलावा उन्होंने संस्था द्वारा चलाए जा रहे अभियान सड़क सुरक्षा जागरूकता मोटरसाइकिल यात्रा के विस्तार से जानकारी दी। वही मुख्य अतिथि उन्हें सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए। मुंबई के बोरीवली पूर्व स्थित प्रभु उपवन सेवा केंद्र पर जैन समाज के लोगों के लिए विशेष पब्लिक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसका विषय रहा तप का बल सेवा का फल। इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता युवा प्रभाग के उपाध्यक्ष अभी के चंद्रिका दीदी रहीं। ये 7 दिन के साधना की सिद्धि है कि आप कहाँ भी रहो, लेकिन आप अपने घर को याद करो और आप वहाँ पहुँचो और वो परम शांति का अनुभव करो। तो तपस्या का बल है पवित्रता और जीवन मुक्त स्थिति की अनुभूति, मुक्ति जीवन मुक्ति की स्थिति की अनुभूति। कार्यक्रम में उद्योगपति राकेश शाह, अधिजन युवक चैरिटेबल ट्रस्ट की ट्रस्टी विजय दोषी, JWS डीलर सतीश शाह, कांदिवली जैन डेरासा ट्रस्टी रमेश मेहता, जेसर विलेज ट्रस्टी JP वासा समेत 200 से अधिक जैन समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में बोरीवली पूर्व की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा दीदी की उपस्थिति में कई प्रबुद्ध जनों को सम्मानित भी किया गया। हिमाचल प्रदेश के चंबा स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर बने नए हार्मनी हॉल का उद्घाटन करने अमृतसर सब जोन प्रभारी बीके आदर्श दीदी पहुंचे। उनके अलावा इस मौके पर विधायक पवन नैयर, मुगला सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोनिया भी उपस्थित रही। कुछ खबरें देखिए, पूरे देश भर में नवरात्रि और विजयदशमी को लेकर ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित किए गए कार्यक्रमों की, जिसमें शहर के जाने माने हस्तियों ने शामिल होकर जहां कार्यक्रम की रौनक बढ़ाई, तो वहीं पर्व के पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्यों को भी जाना। चलिए एक एक करके देखिए उनकी तस्वीरें। ममता मई तू, समता मई तू, करुणामयी माँ जगदम्बे, जगदम्बे माँ जगदम्बे, माँ जगदम्बे, ममता मई तू समता। कोई ना कोई ऐसा था जिसके कारण हम लोग कहते हैं इसने मेरे जीवन को नर्क जैसा बना दिया। तो कोई व्यक्ति निमित्त नहीं करता है, वो समस्या के रूप में हमारे सामने आया है, वो परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आया है,
वो समस्या परिस्थिति हमारे सामने इसलिए आई है कि उसका सामना करने की शक्ति हमारे में कम है। करुणामयी माँ जगदम्बे जगदम्बे भक्ति मई तो शक्ति मई तो वरदानी माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे माँ जगदम्बे। आज बहुत सुंदर झांकी सजाई है, यहाँ पे आके ऐसा लगा माता का पूरा दरबार सजा हुआ है, और झांकी में जो भी वस्तुएं यूज की वो आप लोग ने खुद ने बनाई है, वो कितनी बड़ी बात है। मुझे बहुत अच्छा लगा था झांकी का। भगवान आ चुके हैं, वो संदेश सबको मिले और परमात्मा की संतान बने, यही मेरी शुभ भावना और शुभकामना है। दुर्गुण नाश करे, सद्गुणों के दीप जलाकर आत्मशक्ति का विकास करे। कलयुग के अंधेरे को हरते संगम काल में जगदम्बे माँ जगदम्बे जगदम्बे माँ जगदम्बे। नवरात्रि में देवी माँ का स्वरूप कन्याएं है। कहते हैं जब सौभाग्य उजड़ते हैं उजलते हैं तब एक बेटा घर में आता, और हजार भाग्य जब उजलते हैं तब घर में बेटी पैदा होती है। तो आप सभी कन्याएं बहुत बहुत भाग्यवान हो, क्योंकि कन्या जो है टेंशन नहीं लेकिन टेंशन के बराबर है। परम पिता शिव के शिव शक्तियां धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई।
ही विराट होने वाले हैं, हर ही सुधार होने वाले हैं। तो मानव सुधरेगा, इसलिए परमात्मा आकर के सब शक्ति दुर्गाओं के द्वारा हम सब मानव को यही संदेश देती हूँ कि आप ही माँ दुर्गा जैसा जीवन बनाओ, देवी विलासा गणेश जैसा जीवन बनाओ, तो दुनिया में विघ्न भी नहीं आएंगे और ना शुभ भी नहीं आएंगे। Thank you.